हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह, एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2020 और आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर दो है 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर तीन है 12 अप्रैल और ऑप्शन नंबर चार है 13 अप्रैल। दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, 13 अप्रैल। दोस्तों, आपको बता दें 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में, जो पहले पंजाब प्रांत में था, अमृतसर में कुछ क्रांतिकारी नेता रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे थे। तभी अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने वहां पर उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। तो ये रहा रोलेट एक्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, 13 अप्रैल। दोस्तों, ये उस नरसंहार की तस्वीरें हैं अमृतसर की। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व राष्ट्रपति के हत्यारे अब्दुल मजीद को ढाका में फांसी दी गई है? इसके चार ऑप्शन हैं, शेख मुजीबुर रहमान, शेख सुलेमान, शेख सलमान और शेख आमिर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनके हत्यारे अब्दुल मजीद को अभी हाल ही में ढाका में फांसी दी गई है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी आपको बता दें ढाका है। यहाँ के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। और दोस्तों, ये जो शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, MHRD, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इन्होंने हाल ही में युक्ति ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, बात आती है युक्ति की, तो युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, ये रहा हमारा युक्ति पोर्टल, एक वेब पोर्टल है जो COVID-19 से लड़ने के लिए अभी लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डबल लेयर मास्क तैयार किया जा रहा है? इसके चार ऑप्शन हैं, KVIC, PMKVY, ICAR और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभी हाल ही में KVIC द्वारा डबल लेयर मास्क तैयार किया गया है। दोस्तों, बात आती है KVIC की, इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन।
दोस्तों KVIC का हेड ऑफिस मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये डबल लेयर मास्क है जो KVIC द्वारा तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार रोज की जरूरत के सामान उपलब्ध कराने के लिए कौन सा स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके चार ऑप्शन है, सर्विस स्टोर, सुरक्षा स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, डोर स्टेप स्टोर। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार COVID-19 से निपटने के लिए लोगों को जरूरी जो सामान मुहैया कराने की योजना बनाई है, उसमें केंद्र सरकार ने 20 लाख रिटेल शॉप खोलने का निर्णय लिया है, जिसे सुरक्षा स्टोर के नाम से नाम दिया गया है। इससे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरक्षा स्टोर। इस स्टोर से ये होगा, जो 20 लाख स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं, इससे ये होगा कि जो ज़रूरत की सामान है वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबों की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू की है। इसके चार ऑप्शन है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने गरीबों की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू की है। दोस्तों ये रहा भारत के नक्शे में मणिपुर, जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। दोस्तों बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। यहाँ लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें, यहाँ के जो CM हैं वह हैं AN बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है नजमा हैपतुल्ला। बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर MS किस बैंक के MD और CEO फिर से नियुक्त किए गए हैं। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है PNB, ऑप्शन नंबर 2 है HDFC, ऑप्शन नंबर 3 है BOI और ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटका बैंक। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये रहे महाबलेश्वर MS, जिन्हें कर्नाटका बैंक ने फिर से अपना MD नियुक्त किया है और इनका जो आने वाला कार्यकाल है वो 3 साल के लिए होगा। दोस्तों बात आती है कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मैंगलोर में है और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, COVID-19 से लड़ने के लिए किन दो कंपनियां एक साथ काम करेंगी। इसके चार ऑप्शन है, गूगल और ट्विटर, गूगल और एप्पल, एप्पल और ट्विटर, एप्पल और FB। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गूगल और एप्पल। गूगल और एप्पल ने हाल ही में COVID-19 से लड़ने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात आती है गूगल की, तो गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। और दोस्तों एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक और इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया
यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर दो, गूगल और एप्पल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस ब्रिटिश कॉमेडियन की मृत्यु हो गई है? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक है टिम ब्रूक ट्रेलर, ऑप्शन नंबर दो है टिम स्मिथ, टिम जॉन और ऑप्शन नंबर चार है टिम कुक। दोस्तों अभी हाल ही में टिम ब्रूक ट्रेलर जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडियन है, इनकी कोविड-19 के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। ये हैं वो ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर, जिनकी अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा चैनल लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है डीडी मेट्रो, ऑप्शन नंबर दो है डीडी रेट्रो, ऑप्शन नंबर तीन है डीडी इंडिया और ऑप्शन नंबर चार है डीडी रेट्रो। दोस्तों अभी हाल ही में प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो चैनल लॉन्च किया है। ये जो डीडी रेट्रो चैनल लॉन्च किया गया है, इसमें वही चीज़ें दिखाई जाएंगी, वही धारावाही दिखाए जाएंगे जो पहले डीडी नेशनल में दिखाए जाते थे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया और अन्य धारावाही जो पहले दूरदर्शन में दिखाए जाते हैं, वो डीडी रेट्रो में दिखाया जाता जाएगा। दोस्तों बात आती है प्रसार भारती की, तो जो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, 1997 में, और जो प्रसार भारती के सीईओ हैं, जो प्रसार भारती के सीईओ हैं वो हैं शशि शेखर वेम्पति जी पति जी, और प्रसार भारती का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और दोस्तों अगर आज के करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।